गाइस नमस्ते सत श्री अकाल वनकम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। आज एक्चुअली जो है गदर 2 का सॉन्ग खैरियत, उसके ऊपर मैं जो है रिएक्शन दूंगी और वो हम सुनेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और अगर जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ वो जाकर देखें। मैंने गदर के जो है दूसरे गानों पे भी रिएक्शन दिया है, इसके ट्रेलर पे भी दिया है और सबको पता है कि ये मूवी 11 अगस्त को रिलीज़ हो रही है और ये मूवी बेसिकली इंडो पाक वॉर के ऊपर है, 1971 के ऊपर है और सनी पाजी जो है अपने बेटे चरणजीत को जो है घर वापस लाते की स्टोरी है। और मैंने जैसे कि आपको बताया था ट्रेलर देख के कि इस मूवी में और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, तो खैर अभी तो हम गाने की तरफ जाएंगे। जो गाना है खैरियत, ये अरिजीत सिंह और मिथु जी ने जो है गाया है और मिथु जी ने ही कंपोज किया है। और अब गाना सुनते हैं बिकॉज यू नो व्हाट, मैं गदर 2 के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ ना। बट मुझे ना एक टाइटल बहुत अच्छा लगा जो मेरे माइंड में अभी भी घूम रहा है, प्यार बॉर्डर्स नहीं जानता। इसका टाइटल बहुत मुझे अच्छा लगा। जैसे अगर आप इस मूवी का या आप इसके टीजर या ट्रेलर के ऊपर जाएँ तो ये एक टाइटल आपके आपको नज़र आएगा कि लव नोज नो बॉर्डर, लाइक यू नो नहीं है बॉर्डर नहीं है। देखना हमारे प्यार के बीच में भी कोई बॉर्डर कोई सरहद नहीं है। ये बात दिलों की है, इंसानियत की है और आपस में पीस रखने की है। तो आइए पहले गाने की तरफ चलते हैं। अच्छा बाय द वे ये मूवी जो है पूरी मूवी इसका बजट है 100 करोड़ है। इंशाल्लाह देखना आप लोग देखिएगा कि ये लोग डबल बिजनेस करेंगे, डबल नहीं ट्रिपल करेंगे, बिकॉज आई लव सनी पाजी। और सनी पाजी को जो नहीं पसंद करता ना समझो वो एक्शन मूवीज का फैन ही नहीं है। सो आइए लेट्स गो और देखते हैं अभी ये यहाँ का सुनते हैं मतलब ये गाना। मुझे रोना इसलिए भी आया, मतलब मुझे कोई ये व्यूज़ और कुछ नहीं, बट
मुझे लगा कि रोमांटिक होगा समथिंग शायद, बट एक माँ बाप का प्यार था अपनी औलाद के लिए पिक्चराइज था, एंड आई लॉस्ट माई मदर जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं. बट यू नो आपको सडन मुझे एक वाइब आई दिल में वो देखते हुए, हालांकि आई नो मूवी है पिक्चराइज है सब है, बट फिर भी ना कि हमें वो कहते हैं ना बदन ना झरले और वो बारिश में यू नो, तो मुझे एक चीज़ हुआ कि यार हमें इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ जो है हमारे माँ बाप हैं. और मुझे कोई लेक्चर देने का शौक नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि जब हम उन्हें खो देते हैं ना तो हमें उनकी कदर तब आती है. तो जिन जिन के पास है वो कदर करें. और ये मूवी मुझे लगता है बहुत इमोशनल होगी, और ये मूवी मतलब यू नो आई डोंट नो बट यार समटाइम हम देखते हैं, हम ये चीज़ें देखते हैं कि बॉर्डर्स लाइक हुए में लोगों में एक दूसरे के लिए नफरत है, कमेंट्स करना, हेट करना, किसी भी तरह की फ्रस्ट्रेशन, जुल्म देखना. बट यकीन माने कि ये शायद ऊपर वाले लोगों का तो होगा, लेकिन जो कौमें हैं जो जनता है वो नहीं चाहती, वो चाहती है प्यार हो, प्यार बटे. खैर ये गाना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, मुझे पता था अरिजीत सिंह का या तो रोमांटिक होगा या मतलब लाइक यू नो इस तरह का, बट खैर बहुत अच्छा उन्होंने गाया. अरिजीत सिंह की वैसी वॉइस जो है वो इंसान को कहीं ना कहीं जो है वो मौसीकी कहते हैं ना कि रूह की ग़िज़ा है, वो इनके गाने सुन के मुझे वाकई लगता है कि हमारी स्पिरिचुअल वाइब कनेक्ट हो जाती है गाना सुनकर. बट बहुत बहुत इमोशनल था मेरे लिए, तो बहुत इमोशनल था ये गाना सुनना और ऐसे मूवी देखना. जैसे सनी पाजी याद करते हैं मैंने बचपन में उसको कैसे एक दफ़ा थप्पड़ मारा, तो मतलब एक दर्द था, एक पीस था. बट एनीवेज आई होप आपको ये अच्छा लगा, मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन है. और इसी तरह है स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, और हम रिएक्शंस देते रहेंगे. आप बताएं नीचे कमेंट सेक्शंस पे, टाइटल्स हो या टीजर हो, गाने हो, सीन्स हो, सब नीचे कमेंट करें. और सब्सक्राइब माय चैनल, इसको भी और एक्सप्लोर को भी प्यार दीजिए, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है. और स्टे ट्यून विद मी, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो. कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये गाना कैसा लगा और पिक्चराइज कैसा लगा. सो टेक केयर, बाय एंड आई लव यू ऑल.